सो फ्रेंड्स, ये रहा यूनिक कलर का मेरा हिबिस्कस प्लांट। देखिए फ्लावर साइज देखिए कितने बड़े हैं, और आज तो काफी खिले हैं। देखिए मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और कलर मैंने ऐसे कलर कहीं देखी नहीं थी। इस तरह की शेड है, रेड बीच में और साइड से थोड़ी सी क्रीमी है, फिर यहाँ पर रेड कलर हुई है। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, बहुत बड़ा सा फ्लावर हुआ है आज। देखिए साइज तो देखिए इन सबका, प्लांट तो झुके हुए हैं फ्लावर की, इससे देखिए सारा तीनों एक तरफ। देखिए सारे देखिए हैवी ब्लूमिंग है, सारे मेरे हिबिस्कस पर। तो ये देखिए इस पर भी देखिए सारे कलर्स, देखिए काफी अच्छी सी हो रही है इसमें ब्लूमिंग। और व्हाइट में अभी आ रहे कलियां, कई दिन से नहीं आए थे उसमें, तो इसमें। और ये भी नया कलर है, इसका भी मैं कलर वेट कर रही हूँ कि कौन सा कलर है ये। तो ये है ऑरेंज में, ऑरेंज में देखिए एक और खिला था, फिर भी मैंने इसको थोड़ा नहीं, आज भी नहीं थोड़ा है, बहुत सारा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बहुत प्यारे से लग रहे हैं अभी सभी। तो इसमें भी देखिए कितनी सारी हो रही है, इसमें तो रोज तीन चार निकल रहे थे, तो अभी कम है। तो ये देखिए सारे मेरे, ये देखिए कलियां, देखिए इस पर भी कनेर के प्लांट सारे के सारे इतनी अच्छी ब्लूम पर है इस समय, सारे इसमें कलियां आ रही हैं। देखिए छोटे 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 से कलियां बन रही है, तो ये भी सारे इतने सारे कलियां हैं। फ्लावर्स खिलने के बाद मैंने इन सबको निकाल दिए थे, तो फिर से ये ग्रोथ पकड़कर इस तरह से कलियां बनने लगे हैं। तो अभी शाम का टाइम है, तो मैंने कुछ भी तोड़ा नहीं है, अभी मैं थोड़ी सी साफ करूंगी और मुझे कुछ कटिंग्स लगानी है। ये देखिए ये डल सा हो रहा है, मुझे इसमें इसको बचने का कोई ये नहीं लग रहा है कि इसको कटिंग में लगा दूं कहीं पर, क्योंकि ये देखिए परसों भी ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने इसको कुछ जगह पर लगाई थी, ये भी ऐसे ही लग रहा है, ये तो नहीं बचेगा। ये देखिए पता नहीं फंगस हो गया क्या हो गया इसमें, तो इस तरह का हाल है। तो इन सब का कटिंग मैंने कुछ जगह पर लगाई है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और इस पर भी देखिए कलियाँ कितनी सारी आई हैं, दिख रहे हैं कलियाँ कितनी सारी बन रही है, गुच्छों पर आ रही है देखिए। तो इस तरह से कलियाँ जो है वो बन रही है। केलंचो प्लांट भी सारे के सारे मेरे कटिंग जब लगाए थे वो स्टैंड अप हो गए हैं, कुछ इस तरह के हैं ये सूखे हुए से, जो ग्रो हुए तो नए पत्तियां इस तरह से निकल रही हैं सारे। और इसको मैं लगाऊंगी, जो नहीं ग्रो हुआ है इन सब की छोटी छोटी कटिंग मैं ट्राई करूंगी लगाकर। तो ये सब देखिए पानी ठहर रहा, तो इनको थोड़ी सी मैं गुड़ाई कर दूंगी इसे। सारे इसमें आज हैवी ब्लूमिंग हो रही है, और इसमें भी देखिए ढेर सारी फ्लावर्स है, देख रहे हैं आप कलियां भी बहुत अच्छी सी बन रही है, बहुत सारी कलियों के साथ फ्लावर जो है मेरे गार्डन में खिले हैं। तो देख रहे हैं, और एक दो फ्लावर्स मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है डबल पेटल के ब्लू कलर में, देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़े थे कि सीड्स बन जाए, तो उनमें से दो सीड्स पकड़े हैं, देखिए ये वाला सीड्स, ये दो सीड्स और एक था और एक है, दो सीड्स पकड़ा है। फर्स्ट फ्लावर था वो, फर्स्ट फ्लावर को ही मैंने इस तरह से छोड़ दिया थे। तो देखिए कल भी खिलेंगे बहुत सारे, ये सब कल खिलने वाले हैं ये कलियाँ, अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पर भी दो है, ये सब खिलेंगे। उससे पहले मुझे इसको हटानी है, आज एनी कंडीशन मैं इसको हटा लूँगी, अभी हटा कर थोड़ी सी मैं क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद मैं अभी थोड़ी सी पानी दूंगी, तो पानी नहीं दिया है, तो देखिए किस तरह से लटक गए हैं। वैसे सुबह में देना था, आज मैं सुबह में नहीं आ पाई, नहीं दिया मैंने पानी। और ये देखिए, और इसका भी पहला फ्लावर खिला है, देखिए कितनी अच्छी सी है ना, सफ़ेद कलर में, कल इतना सफ़ेद नहीं था ये, कल का क्लिपिंग भी ऐड करती हूँ। देखिए
थोड़ी सी ये क्रीमी शेड लग रहा था उस समय, लग नहीं रहा था कि फूल ज़्यादा गिरेगा खिलेगा। वैसे तो ये बर्ड्स भी गिर रहे थे, देखिए फ्लावर खिल ही रहा है। आज जितना खिला है कल पूरा खिल जाएगा शायद इसका, तो ये सोच रही थी। तो फाइनली ये खिल गया है पहली फ्लावर, बहुत बड़ी खुशी तो हो रही है। अच्छा लगा लाने के बाद, इसमें एक दो फ्लावर्स तो आए। तो देखा फ्रेंड्स, ये आज का है, देखिए ये सब कलियां बने हैं और इसकी फ्रेग्रेंस है ना, मैं बता नहीं सकती अपना मौन, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है इसका। ये वाइट फ्लावर्स के केलेंचो प्लांट है देसी वाले, इसका कटिंग मैंने लगा दिए थे तो ये भी ग्रो हो रहे हैं। तो यही कुछ फ्लावर्स हैं बन रहे हैं। तो ये भी देखिए, ये कल फ्लावर ओपन हो जाएगा इसमें। तो कुछ इस तरह से फ्लावर बन रहे हैं और इसको कटिंग लगाया था यहीं पर, ये फ्लावरिंग कर रहा है, देखिए यहीं पर इसका फ्लावरिंग हो रहा है। तो मैंने इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई ना, तो इसी वजह से। और ये है देखिए दांतस की कटिंग, यहाँ पर ये जो मैं कटिंग लगाई हूँ ना, ये चल रहे हैं उसी का, जो मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी डल सा हो रहा है, बचेगा या नहीं बचेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर लगाई थी। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग लगाई, ये सब इसकी कटिंग है। इस वजह से जो है मैं इन्हें नहीं निकाल पा रही हूँ, और इनमें भी कहीं है, मैंने तीन चार कहीं जगह पर 15 दिन के ऊपर ही हो गए मैंने ये सब कटिंग लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने येलो क्रोसेंड्रा का लगाई है ये वाला, और यहाँ पर देखिए ये एक कटिंग लगाई मैंने दांतस की यहाँ पर, और भी मैंने लगाए हैं, शायद सूखे होंगे, नहीं लगा होगा वो। तो ये सब कटिंग जो है मुझे लगानी है। और अभी मैं काम करने वाली हूँ कुछ प्लांट्स में, तो वो सब देखिए। तो साउंड कितना नॉइज आ रहा है, कितना साउंड रहता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो ये सब, तो इसमें कितने सारे फल लगे थे तो सारे झड़ गए हैं, देखिए इस राफ में कुछ ही बच पाए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ, जो भी काम करूँगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी।